ये लीजिए। हेलो पोस्टमैन अंकल, बीच पर पुलिस आई थी और कुछ बच्चों को लेकर गए। अरे लेकिन किसे? अंबिका, गुरेंद्र और राजेश को। अच्छा ठीक है, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। कल के राष्ट्रपति, कल के प्रधानमंत्री, कल के गवर्नर, कल के अब्दुल कलाम, कल के सचिन और धोनी मरीना पर चने और चाय बेच रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दुनिया में बच्चों के लिए सिर्फ दो ही जगह पवित्र है, एक तो उनकी माँ का आंचल और दूसरा उनका स्कूल। तुम लोग आज उसी पवित्र स्कूल में हो। जानते हो तुम्हारा पहला काम क्या है? पढ़ाई। और दूसरा काम क्या है? पढ़ाई। और तीसरा काम भी पढ़ाई ही है। ये स्कूल इस सरकार की मदद से मिलकर तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तुम लोग यहां रह सकते हो, मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना, मुफ्त में पढ़ाई, सरकार सब कुछ देगी। सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। हम सब यही रहेंगे यहाँ। मैं तो यही रहूंगा। तुम सब लोग बहुत काबिल हो, जो चाहे बन सकते हो, पर तुम लोग क्या कर रहे हो? बीच पर चने बेच रहे हो, इधर उधर चाय बेचते रहते हो। पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, आज की गई पढ़ाई जीवन भर काम आएगी तुम्हारे। कानून कहता है कि तुम्हारे माँ बाप भी तुमको पढ़ने से रोक नहीं सकते। अम्मिका, तुम्हारा हक है जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ बताता हूँ, पहले बाहर आप हाथ भी नहीं उठा सकते बच्चों पर। पढ़ाई करने का मौका मिला तो आजा। इस स्कूल को तुम लोग अपना घर समझो और इन टीचरों को अपना माँ बाप। यहाँ से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। पोस्टमैन अंकल, कहाँ पर हैं सभी? वो बीच तुम लोगों के लिए सही जगह नहीं है, बल्कि ये सही जगह। अंकल, अम्बिका को बाहर लेके आओ ना अंकल। जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ न कुछ जरूर बनोगे। भविष्य खराब मत करो। जरा इस बच्चे को देखो, बिल्कुल अब्दुल कलाम साहब की तरह लगता है। अब जरा इसे देखो, एकदम कामराज की तरह लगता है। और ये तो बिल्कुल नेल्सन मंडेला लगता है। तुम सब में महान बनने की शक्ति है, बस खुद को पहचानो, फिर सारी दुनिया तुम्हारी होगी। तुम सब अपने काम पर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ स्कूल खत्म होने के बाद, और काम खत्म करके फिर स्कूल। तुम सब इस देश का सुनहरा कल हो, जो इस देश और दुनिया में फैलकर सारे जहां में अपनी खुशबू फैला दोगे। मन लगाकर पढ़ो और भविष्य को उज्जवल करो। इनमें से किसी के माँ बाप है यहाँ पर? तुम लोग स्कूल जाते हो कि नहीं? जाते हैं सर। तुम्हें ऐसा बोलने के लिए पहले से तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है ना? नहीं। बच्चों की मासूमियत से कमाई करने वाले दलाल, शर्म नहीं आती उन लोगों को? उन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। मैं बच्चों का भविष्य बनाकर ही मानूंगा। जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ पर आए हैं, जरा उनको अंदर भेजिए। मुझे नहीं पढ़ना, मैं वापस जा रहा हूँ। कैलाश, कहाँ जा रहे हो? अरे अब आप इन बच्चों के पेपर्स फौरन चेक कीजिए और वार्निंग देकर इन्हें छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दो सर। मुझे भी छोड़ दो सर। ऐसे छोड़ दो? जरा एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप आए यहाँ पर? मेरे माँ बाप नहीं है सर, पर मेरा दोस्त है मेरे साथ, और मैं पढ़ूंगा सर। हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ते हैं। जाने दो मुझे सर। तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर वो पोस्टमैन अंकल। ये पोस्टमैन कौन है? जरा अंदर आइए। आ रहा हूँ सर, मैं हूँ सर। ये बच्चे मेरे इलाके के हैं सर। तुम्हारा क्या रिश्ता है इन बच्चों से? मैं इनका गार्डियन हूँ सर। गार्डियन के साथ मैं इन्हें नहीं भेज सकता, माँ बाप के साथ ही भेजूंगा। मैं इनके माँ बाप के जैसा ही हूँ सर। तो तुम्हारे होते हुए ये बीच पर चने क्यों बेच रहे हैं? पर ये चाइल्ड लेबर नहीं है सर, चाइल्ड वर्कर है। बात सही है, लेकिन ध्यान रहे तुम सिर्फ एक ही बच्चे को गोद ले सकते हो। कानून के हिसाब से दो बच्चों को गोद लेना गलत है। ठीक है सर, फिर मैं अंबिका को गोद लेना चाहूंगा। इतना आसान नहीं है, तुमको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और इसकी पढ़ाई की पूरी जानकारी भी देनी होगी। मुझे जो भी करना होगा मैं इसके लिए करूंगा सर। अंबिका कौन है यहाँ? आ जाओ। सर मैं हूँ। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? आ जाऊंगा सर। मन लगा के पढ़ाई करोगे? मन लगा के पढ़ूंगा। पक्का? पक्का सर। देखिए मैगजीन में मेरी फोटो भी आई है, मैं पढ़ाई के साथ काम भी करता हूँ। तुम भी हो ना? हाँ सर, मैं इसे अच्छी तरह पढ़ाऊंगा सर। तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। बाय गुरी। कल्लू, तेरे को लेके जाने के बाद क्या किया उन लोगों ने? सोकेश रिपोर्टिंग सर। कैलाश यही है सर। मेरे बेटे को पत्थर तुमने मारा था ना? साहब मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से उसे पत्थर लग गया। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। रागिनी, पार्थ को लेके आओ। हाँ?
यहाँ आओ पार्थ। क्या इसने तुम्हें पत्थर से मारा? हाँ पापा। तो फिर क्या सजा दे? बस वो टपली मारनी है। कितनी अच्छी सजा है सर। जाओ मारो। अरे बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ दुखने लग जाएंगे। और पांच बार मारूं? हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। 1 2 3 4 5। इसके चेहरे की खुशी तो देखो। थैंक यू पापा। शुक्र है पार्थ को ज्यादा चोट नहीं आई। तुम दोनों ये सोच रहे हो ना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जब इसे चोट लगी थी तब ये इस लड़के से बदला लेना चाहता था। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये माना नहीं। बस यही कहता रहा मुझे बदला लेना है, ये मेरी इकलौती औलाद है। मैं और करता भी क्या। सही, हम भी पुलिस वाले हैं, आपकी बात समझ सकते हैं। ये बात आपस में ही रखना। हाँ जरूर सर। ए बेटा इधर आओ। अब आप तो नहीं मारोगे ना? अरे नहीं नहीं, इधर आओ तो, ज्यादा लगे नहीं ना बेटा। मेरी बात सुनो, तुम अपने लिए ये कुछ पैसे रख लो। बच्चे को बस में बैठा दो। बाय छोटे। जी सर, चलता हूँ। ओके सर। ओके, अब तो खुश हो ना? चलो इसे चैन तो आया। अच्छे लोग थे वो, बच गया तू। लेकिन पैसे तो गए हाथ से। ए, ए, रुकना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तूने हम लोगों को इतना भगाया, हम लोगों का वक्त बर्बाद किया। 18 साल की उम्र में मैंने सोचा कि पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, सेहतमंद खाना खाया, लेकिन उसके बावजूद नौकरी के लिए बड़े बड़े लोगों के पैर पड़ने पड़े मुझे। मैं अपने बच्चे से इसकी वजह से इतने दिन दूर रहा। तेरी तो ए, चल पैसे निकाल। चल ना, निकाल ना। निकल, अभी निकालते के दूं तेरे को। चल। सोच क्या रहा है? निकल। मैं तो बोलता हूँ ये लड़का जहाँ से भागा था ना, इसको वापस वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। हम लोग बीच पर छोड़ने क्यों जाएं? क्या दिमाग पाया है? चले चल। चल। ए, उन्होंने मेरा पैसा भी छीन लिया, मुझे उस कबाड़ खाने में छोड़ा है। जैसे तैसे मैं वहाँ से निकला और यहाँ आ गया। अंबिका, अंजलि की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसका बापू उसको अस्पताल लेके गया है। जाए क्या? अपने को हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने देंगे रे। हम लोग हॉस्पिटल गए थे लेकिन तुम लोग नहीं दिखे वहां। क्या हुआ इसको? डॉक्टर ने तो कहा है कि इसे अस्पताल में भर्ती कर दो, लेकिन मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा पैसे नहीं है तो ले जाओ इसे। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। छोटी सी उम्र से ये मुझे कमा कमा के खिला रही है। इसकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि अपना घर ना हो तो कम से कम किराए का घर तो हो। मैं इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे एक ही फिक्र सताई जा रही है कि जैसे जैसे ये और बड़ी होगी तो मैं इसे कहां रखूंगा। मुझसे इसकी ये हालत नहीं देखी जाती। इससे पहले कि इसे कुछ हो जाए मैं मरना पसंद करूंगा। अंजलि को कुछ नहीं होगा अंकल, हम कुछ ना कुछ करेंगे। देखना वो बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाएगी। दादा अब क्या हुआ? अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मुझे मना करके तुम भीख मांगने लगे? लाओ, मैं दूंगा इलाज का पूरा पैसा। ये लो, लो। दादा कितने अच्छे हैं ना, उनका दिल कितना बड़ा है। उन्होंने अपनी पूरी कमाई दे दी। दादा मुझे चॉकलेट चाहिए और आइसक्रीम भी। बाद हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तू भी चलना, हम साथ में पढ़ाई करेंगे और फिर शाम को साथ में चने बेचेंगे। तू पढ़ाई कर अम्बिका, मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं।
और हाँ, तुझे शाम को चने बेचने की भी जरूरत नहीं है। तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी इच्छा है कि तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तू अच्छे से पढ़ लेगा तो हम सबका भविष्य सुधार देगा। नहीं, मैंने पोस्टमैन अंकल से वादा किया था कि मैं तुम सबको स्कूल लेकर जाऊंगा। उस दिन अगर तूने भी ऑफिसर की बात सुनी होती ना तो तू कभी भी मना नहीं करता आने के लिए। अरे अंबिका, चल बता क्या है। पोस्टमैन अंकल। अरे पोस्टमैन अंकल, पोस्टमैन अंकल आ गए। अरे पोस्टमैन अंकल। अंकल इसमें क्या है? मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, तुम सबको उसमें आना है, ठीक है? अरे पोस्टमैन अंकल, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी कोई शादी में बुलाएगा। अरे भाई, तुम सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुम सबको वहाँ आना है। हाँ, आएंगे, आएंगे। हम जरूर आएंगे। अंकल सच में भी आएंगे ना? हम जाएंगे यार, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, खाएंगे। हाँ हाँ, लेंगे ना, लेकिन हम चंदा नहीं मांगेंगे, खुद के पैसे से लेंगे। क्या बोलते हो? हाँ हाँ अंकल। अरे अपन सब जाएंगे शादी में। अपने को शादी में नहीं, शाम को पार्टी में जाने का है। वहाँ पे तो अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा, बहुत मजा आएगा वहाँ पे। दादा, इस थैली में क्या है? कप। हम लोगों को देने आए हो क्या? ये इस बार मैं जीतने वाले को दूंगा। तुम लोगों ने आज तक मुझे प्राइज देने का मौका नहीं दिया, क्योंकि तुम लोगों की नजर में मैं आज भी भिखारी हूँ। मेरी क्या औकात के मैं जज बनूं? दादा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे लगा अच्छे कपड़े पहनूं तो शायद तुम अपने लायक समझो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि कोई नहीं मिला तो तुमने विदेशी से प्राइज लिया, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तुम लोगों का ये बर्ताव मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादा बोलने का ढोंग करते हो। मैं कंपटीशन करवाऊंगा, खुद कप दूंगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो दादा? क्योंकि मेरे बेटे और बहू ने मेरा अपमान किया था, इसीलिए मैंने घर छोड़ा था। मैं चाहता था जैसे उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं भी उन्हें शर्मिंदा करूं। इसीलिए मैंने भीड़ वाली जगहों पर भीख मांगना शुरू कर दिया, ताकि कभी कोई मुझे इस हाल में देखे और मेरे बेटे को बताए कि तेरा बाप भीख मांगता है और वो शर्मिंदा हो। इसीलिए मैं यहाँ आया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मर जाऊंगा मैं, लेकिन मरने से पहले बस एक बार अपने पोते पोती को देखना चाहता हूँ। बहुत याद आती है। मत बोलो दादा, हम सब तुम्हारे पोता पोती ही हैं। हाँ दादा, आप रोइए मत। हाँ दादा। छोड़िए पुरानी बातें, ये बताइए कौन सी स्पर्धा रखनी है? सुसु का रखे क्या? अरे चुप रहे, कुछ और रखते हैं। चलिए मैं एक सुझाव देता हूँ, एक ऐसी स्पर्धा रखते हैं जिसमें सबको बहुत मजा आएगा। क्यों ना एक घोड़ों की रेस रखी जाए, क्या कहते हो? ओके। ए, रविवार को रखते हैं।